पूर्णिया जिले के मुसहरी टोला में प्रधानमंत्री के संबोधन के लाइव प्रसारण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन सह महामंत्री शिव नारायण महतो सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज हम लोग सभी पूर्णिया विधानसभा में बक्सा घाट के मुसहरी टोला में प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए हम लोग इस विशाल स्थानीय जनता के साथ, कार्यकर्ता के साथ, पदाधिकारी के साथ हम लोग जुड़े हैं और प्रधानमंत्री जी का इस सुशोभित भाषण को हम लोग सभी ने सुना। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है और आने वाले भविष्य के बारे में जो कामना उन्होंने किया है बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो यहाँ के सभी लोग, सभी पदाधिकारी, सभी जनता एकजुट होकर के NDA को वोट करेगी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दरभंगा में 54% मतदान हुआ। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह दिखा। बुजुर्ग, युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि तीसरे चरण की मतदान 7 नवंबर को होगी तो वहीं मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। समस्तीपुर में दिन दहाड़े विधायक प्रत्याशी को गोली मारी। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी युवा क्रांति दल के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। राजधानी पटना के एम्स में डॉक्टर सहित 4 अन्य लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। फिलहाल राज्य में रिकवरी रेट 90% के ऊपर दर्ज हो रहा है। जमुई जिले के उजरी मोहल्ला में पारिवारिक कलह के कारण माँ और बेटी ने जहर खाकर अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के कारण वे अपने नए घर का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दिवाली को लेकर जमुई में नवयुवक संघ के संयोजक गौरव सिंह राठौर ने लोगों से स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिवाली में खरीदारी ऐसे जगहों से करें जिससे कि देश के और स्थानीय लोगों का भला हो। वहीं राठौर ने आगामी त्योहारों को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी।